हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये WC कमांड सीरीज का 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पता लगाना है कि किसी फाइल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ क्या है, ये आपको चेक करना है, या फिर आपको चेक करना है कि किसी फाइल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन में कितने करेक्टर यूज हुए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट लाइन में टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने यूज हुए हैं, वो आपको चेक करना है। वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए आपको WC कमांड के साथ में हाइपन कैपिटल L ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो WC कमांड का जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना WC, उसके बाद हाइपन कैपिटल L ऑप्शन आपको यूज करना है, उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है जिस फाइल से आपको ये चेक करना है, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है, तो सबसे पहले उस डेमो फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो ये उस फाइल का कंटेंट है। अब मुझे चेक करना है कि इस फाइल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ क्या है। तो उसके लिए WC कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, WC हाइफन कैपिटल L ऑप्शन, उसका उस फाइल का नेम। तो ये आउटपुट में हमें डिस्प्ले कर रहा है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है उसकी लेंथ क्या है, 23, यानी उस लाइन में 23 करेक्टर यूज हुए हैं। तो इस प्रकार आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन की लेंथ आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।